अभी 1 सितंबर से स्कूल खोलने की बात आई, हमने सदन में पूछा, विधायकों ने अपने सदन में पूछा, विधान परिषद में मैंने पूछा कि आपने बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजाम का बड़ा ढिंढोरा पीटा, अभी तक आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे रहा है कि अभी वैक्सीनें नहीं बनी है, हम स्कूल खोल रहे हैं। ऐसे में अभी तक अभिभावक इतना चिंतित हैं कि हमारे बच्चों के लिए अभी जब वैक्सीनें नहीं बनी है, उन बच्चों को आपने स्कूल जाने दिया। आप पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए भी वैक्सीन का इंतजाम करिए। मैंने सभापति की कुर्सी में बैठकर पीठासीन में अधिष्ठाता बनकर मैंने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा था कि क्यों नहीं बनी दवाई, आप 2 बरस से नारा लगा रहे हो अभी न बनी है दवाई, मत करो ढिलाई। जनता ने कोई ढिलाई नहीं की, लेकिन सरकार ने अभी तक दवाई नहीं बनाई है, अभी तक वैक्सीन सबको नहीं लगी है, और बच्चों के लिए अभी तक तो वैक्सीनें नहीं बनी है। डबल इंजन की सरकार जनता का स्वास्थ्य खराब कर रही है, जनता की आर्थिक स्थिति चौपट कर रही है, सबका सम्मान खराब कर रही है, किसानों को लूट रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं दे रही है, दुकानदारों की दुकानदारी नहीं चल रही, कर्मचारी परेशान है और पत्रकार भाई भी परेशान है, उनको भी। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।